जो है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, याद रखिए ऑलरेडी इतनी सारी समस्याएं हैं जिसको पैसे की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम आप देख लीजिए, हेल्थ सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ इंडिया में होती नहीं, याद रखिए, है ना। दूसरे कंट्रीज में देखिए आप क्या कुछ, जिसको हम कहेंगे उनके लिए सिक्योरिटीज नहीं होती, हेल्थ है और उनके जिसको हम कहेंगे एजुकेशन सिस्टम है कितना स्ट्रांग है, ये सब चीज़ों की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ भी लागू होता है तो आसाम के NRC से जो हमको बात पता चलती है, वहाँ 1200 से लेकर 1600 करोड़ रुपए तक खर्चा हुआ, 10 साल लगे उसको, जिसमें 52,000 प्लस लोगों ने काम किया 10 साल तक, तब जाके एक लिस्ट बनी जिसमें 3.1 जिसको हम कहते हैं या 310 मिलियन या जिसको हम कहेंगे 3,10,00,000 लोगों को इंदराज किया गया, रजिस्टर किया गया, जिनकी नोंदनी की गई, याद रखिए इतना पैसा गया। हमको तो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत ऑलरेडी है, अगर ये 3 करोड़ के लिए हम आसाम के देख रहे हैं तो अभी हम बात करें 130 करोड़ की, मतलब ये तो 3 करोड़ उसका कितना होगा, हार्डली 2% हो रहा है। तो 2% के लिए अगर ये कॉस्ट है तो ये कॉस्ट बहुत सारी चीज़ों में लग सकती है, और जिसमें इंडिया के या इंडियन सिटीजन को, उनके नागरिकों को ज़्यादा ज़रूरत, याद रखिए। इसी तरह जो है एक्सपेंस के अलावा, याद रखिए डिटेंशन सेंटर्स जो साबित नहीं कर पाएंगे उनको रखना, अभी वो जो भी आदमी है जैसा भी है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे साबित नहीं कर पा रहा है कि मैं इंडिया का नागरिक हूँ, इंडियन सिटीजन हूँ बोलकर, अब वो जो है उसको उठा के आप डिटेंशन सेंटर में रखते हैं। अगर पूरे भारतवर्ष में ऐसा अगर देखा जाए और 2-5 करोड़ लोग भी अगर हो जाए तो एक नया स्टेट बनाना पड़ेगा इनके लिए, तो इतनी पॉपुलेशन हो जाएंगी, 130 करोड़ कितनी पॉपुलेशन जाएंगे आप सोचिए, कहाँ रखेंगे। आसाम के अंदर जो NRC हुआ उसी को अगर आप सिर्फ देख लें तो उसके अंदर ये हुआ कि 19 लाख पहले फेज में जो है 4 मिलियन 40 लाख, उसके बाद फिर उसको फिर से वो किया गया तो 1.9 मिलियन, मतलब 19 लाख लोग ऐसे निकले जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए, सिटीजन होने का दावा उनका सच्चा नहीं निकला उनके हिसाब से, जिसके नतीजे में अगर देखें तो उसका अगर रेशियो देखें तो उसके अंदर 13 लाख प्लस 1.3 मिलियन से ज्यादा हमारे हिंदू भाई है, 7 लाख या उसके करीब जो है मुसलमान है। मैंने इसलिए कहा NRC जब लगेगा तो ये किसी एक जाति समाज धर्म को नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए आप 13 लाख हिंदू है, 7 लाख मुस्लिम है उसके अंदर। अगर ये 19 लाख को गवर्नमेंट अगर फिर मौका दे, और देंगी जाहिर सी बात है अभी हाईकोर्ट जा सकते हैं और भी अभी इसका मौका है, सुप्रीम कोर्ट बाकी चीजें हैं, बट लेकिन इनके लिए कितना मुश्किल होगा अपने आप को साबित करना, डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करना, और कई लोग इसके बीच में डर से जिनकी जाने चले जा रही है या डिटेंशन सेंटर में जो आसाम वगैरह में 4-5 है उसमें रखा जा रहा है थोड़े दिन के लिए, तो वो जो है डर जा रहे, घबरा जा रहे, घर वाले साबित नहीं कर पा रहे, कई लोग तो ऐसे हुए वकीलों को पैसा दिया वो साबित नहीं कर पाए, या उन्होंने कैसे नहीं लड़ा, सिर्फ बेचारे को कह दिया कि हम तेरे लिए लड़ रहे हैं, लोगों ने पैसे खा गए, एजेंट बन के लोगों ने खा गए। तो याद रखिए एजुकेशन की काफ़ी कमी है और इसमें बहुत सारा टाइम याद रखिए वेस्ट होगा, तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ों पर ये मुश्किल है। इसी तरह हम देखते हैं السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔